हेलो एवरीवन, आज अपन देखने जा रहे हैं एट कार्ड रिले चैनल। एट कार्ड इसे क्यों बोलते हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे रिले लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मतलब 8 है, इसलिए इसको एट कार्ड रिले चैनल बोलते हैं। आज हम इसका वायरिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसका वायरिंग किस तरीके से होता है। मैं आपको इस इधर दिखा देता हूँ। ये इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं, यहाँ +1 +-, +2 +-। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अपने को देना है वो 24 वोल्ट प्लस देना है यहाँ पे, और ये जो माइनस लिखा है -1, यहाँ पे हमें माइनस देना है 24 वोल्ट माइनस, और यहाँ पे 24 वोल्ट प्लस देना है, मीन्स यहाँ पे 0 वोल्ट देना है। माइनस की मीन्स यहाँ पे 0 वोल्ट देना है, 24 वोल्ट डीसी का 0 देना है। और यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, यहाँ पे भी प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे, लेकिन अपन क्या करते हैं, माइनस किसी कंडीशन में नहीं देना पड़ता है। कि हमने यहाँ पे एक जम्पर लगाया है, सब ये एक जम्पर है, तो यहाँ पे हमने ये माइनस में लगाया है जम्पर। तो अगर हमने यहाँ किसी भी एक में अगर हमने माइनस दे दिया ना, तो किसी दूसरे में माइनस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने प्लस में अगर दिया होता, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में दिया होता, तो प्लस में होता तो हमें प्लस में एक जगह देना होता, बाकी जगह नहीं देना होता। हमने यहाँ पे माइनस में दिया है, इसलिए हम एक जगह माइनस में यूज़ करेंगे, बाकी जगह पे हम नहीं देंगे। और यहाँ पे है, एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा P1 है और 0-1 है और C1 है। तो P1 में मतलब कि हमें अगर जो भी वोल्ट यहाँ देंगे तो वो चीज़ें हमें NO, ये है, ये NO पोर्ट है, ये NC पोर्ट है, तो ये NO से हमें निकल जाएगा जब भी अगर हमारा रिले पे सप्लाई जाएगी, तो ये जो 0-1 है यहाँ से सप्लाई आएगी। अगर ये हमारा 0-1 बंद है तो मतलब कि यहाँ से कॉमन जो सॉरी यहाँ पे जो NC है, ये NC से निकल के आएगा। तो इसका फटाफट हम वायरिंग देख लेते हैं करके, फिर आपसे मिलते हैं। नाउ हमारी वायरिंग हो चुकी है, हम आपको दिखा देते हैं कि वायरिंग हमने कैसे किया है और कैसे करना होता है। तो यहाँ से हमने 230 वोल्ट का AC वोल्ट लिया है, जो कि हमने SMPS को दिया है, यहाँ पे SMPS को दिया है। यहाँ पे ब्लैक वायर जो है वो न्यूट्रल के लिए यूज़ किया है, और ये रेड वायर है जो लाइन के लिए यूज़ किया गया है। ये जो SMPS है ये 230 वोल्ट पे AC पे काम करती है, जो कि 230 वोल्ट को DC में, AC को DC में 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ से यहाँ पे इसका चार टर्मिनल है, चार टर्मिनल्स में दो पॉजिटिव मिलते हैं, मतलब मीन्स कि 24 वोल्ट प्लस, और दो माइनस के मिलते हैं, मीन्स कि 0 वोल्ट 24 वोल्ट का जो है वो 0 वोल्ट मिलेगा। तो इसकी वायरिंग कैसे किया है हमने, कि एक यहाँ से जो प्लस का है वो प्लस का वायर जो लिया है हमने यहाँ के थ्रू इसके P1 में दे दिया है, और ये जो 0-1 है ये 0-1 निकल के एक हमने कॉन्टेक्टर लगा के रखा है आपको दिखाने के लिए कि कॉन्टेक्टर कैसे एनर्जाइज होता है, एनर्जाइज कैसे मतलब कि इसको सप्लाई कैसे जाती है। और यहाँ पे अपन पहले दिखा देते हैं कि यहाँ पे कैसे इसको सप्लाई देना है इसके इनपुट टर्मिनल में रिले कार्ड के। तो यहाँ से एक पॉजिटिव को उठाया, और ये पॉजिटिव को हमने यहाँ से लिया और लेके इसके +1 का जो टर्मिनल है इसमें दे दिया है, और ये जो एक माइनस है ये यहाँ से माइनस इसका उठाएंगे, और वो माइनस लाके इसके माइनस के पोर्ट में डाल देंगे, जो कि यहाँ पे -1 में किया हुआ है। अभी यहाँ पे आपको बताते हैं, ये जो जम्पर यूज किया है ये माइनस के लिए यूज़ किया है, तो हमने एक यहाँ पे माइनस दे दिया है, तो जम्पर हमने सब पे लगा दिया है, तो इधर केवल पॉजिटिव देने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें माइनस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने माइनस के लिए यहाँ पे जम्पर सब लगा दिया है, कॉमन कर दिया है इसको, जो कि हमें हर जगह पे माइनस मिल जाएगा। अभी क्या हो गया, हमने इसको इनपुट में सप्लाई दे दिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पॉजिटिव का जो P1 में देना है, जो कि यहाँ से हमने SMPS से लेके यहाँ पे दे दिया है, और यही चीज़ जब रिले ऑन होगा तो हमारे यहाँ से 24 वोल्ट निकल के यहाँ के इसके A1 में जाएगा। A1 इसका जो कॉइल का सप्लाई देते हैं ये प्लस के लिए है, A1 प्लस, और ये है A1 माइनस। तो ये जो माइनस है ना, हमने डायरेक्ट SMPS से ले लिया है, और ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव हमने ये रिले के थ्रू लिया है। तो अभी देख लेते हैं ऑन करके कि हमारा SMPS ऑन होता है तो सप्लाई आती है कि नहीं वहाँ तक।
तो हमने यहाँ पे ऑन किया, आप देख लो, तो ये हमारा कॉन्टेक्टर का पोजीशन भी चेंज हो गया है, ये ऑन हुआ है। अभी ऑफ़ करते हैं, ऑफ हुआ तो कॉन्टेक्टर भी हमारा ऑफ़ हो गया। ऑन किया तो यहाँ पे लाइट ग्लो होगी पहले रिले की, और यहाँ से जो 24 वोल्ट प्लस जाएगा वो यहाँ तक जाके इसको कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करेगा। ऑफ़ करके देख लेते हैं, ऑफ़ किया, बंद हो गया। अभी अपन आगे काम कर लेंगे कि अभी आपको यहाँ के रिले में जो कैसे ऑन होता है ये फिज़िकली आपको दिखेगा यहाँ पे। जिसे ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो कैसे एनर्जाइज होता है, तो वो पोर्ट कैसे चेंज हो रहा है। जैसे ऑफ़ करेंगे तो वो आगे की तरफ जाएगा, जैसे ही ऑन करेंगे तो पीछे की तरफ आएगा। बस कुछ इसी तरह काम करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इस पे ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको उस चीज़ों के बारे में समझा सकें। थैंक यू।